हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरी किचन में स्वागत है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं चुकंदर का मालपुआ। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए मालपुआ बनाना शुरू करते हैं। दो हमने ये चुकंदर ले लिया है, इसका जो है हमें छिलका साफ़ कर लेना है। छिलका साफ़ करके और इसे हम पतला पतला काट लेंगे। पुआ बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हम देख लेते हैं। ये हमने चीनी ले लिया है, इलायची हमने इसमें चीनी के साथ पीस के ले लिया है, और ये रहा मैदा, हमने एक कटोरी मैदा ले लिया है। एक चम्मच हमने सूजी, और हमने ये 1.5 चम्मच गड़ी का बुरादा, जो नारियल का बूरा बोला जाता है। अब इन सबको हमें ले लेना है, ये कटोरा, और इसमें जाएगा ये आटा, जो मैदा है वो डाल देते हैं। ये रहा रवा सूजी, और ये रहा बुरादा, और पीसी हुई ये चीनी। अब इसमें डालेंगे पीसा हुआ जो चुकंदर हमने पीस के जो तैयार किया था, अब इसमें से ले लेते हैं। इसमें ज़रूरत के अनुसार देखिए इसको हमें मिला लेना, अच्छे से इसे मिला लेंगे। इसको साइड में हटा देते हैं, ज़रूरत के अनुसार डालेंगे। अब इसमें हम यूज़ करेंगे ये उबला हुआ हमने दूध लिया है, कच्चा दूध ना यूज़ करें। अब इसे इसमें डाल के, और थोड़ा एक ही बार ना डालें, थोड़ा थोड़ा डाल के और इसे मिला लेना है। अच्छे से इसे हमें फेंट लेना है, 5 से 7 मिनट लगा, अच्छे से इसे हमने फेंट लिया है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा दूध की और ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के और इसे घोलना रहता है, जैसे ज़रूरत पड़े उसके अनुसार दूध डालें। देखिए अब अच्छे से इसे फिर घोल लेते हैं। घोल के ये तैयार हो गया है। अब इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रख देते हैं, 10 मिनट बाद इसे हम बनाना शुरू करेंगे। 10 मिनट हो गया है, अब इस चम्मच को हम निकाल देते हैं, हमें करछी की ज़रूरत पड़ेगी। ये गहरा होता है, इसमें अधिक अटेगा तो हम ऐसे आसानी से इसे डाल देंगे। देखिए घोल बहुत अच्छे से तैयार हो गया है इसका, ऐसे लगातार आप गिराएंगे तो यही पहचान है इसकी। जितना अच्छे से ये जो है घोल तैयार होता है तो आपके मालपुए बहुत परफेक्ट बनते हैं, कि आप जैसे गिराएंगे सर पूरे मतलब लगातार गिरता रहेगा, ये टूटे मतलब रुक रुक के नहीं गिरेगा, ऐसे लगातार गिरेगा। अब चलिए ये 10 मिनट हो गया है, अच्छे से सेट हो गया है, अब इसे तलेंगे। पहले से हमने तेल जो था रख दिया था गर्म होने के लिए, तेल जो है गर्म हो गया है। आप घी या तेल जो पसंद करते हो उसे आप यूज़ में ले लीजिएगा। देखिए तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया, इसमें हल्का सा डाल के पहले हम चेक करेंगे। अब जो इसमें हम घोल को डालेंगे, बीच में डाल के ऐसे हम इसे छोड़ देंगे। चूल्हे का पॉइंट थोड़ा सा कम कर देंगे, ज़्यादा फूल पे करके नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। और इसे तेल से ऐसे इसे करते रहना है। जब भी आप बनाते हैं मालपुआ तेल ऐसे ऊपर इसको डालते रहिएगा, डालना ज़रूरी है। आप बड़ा या छोटा मालपुआ बना सकते हैं जैसा पसंद करते हो। देखिए ऐसे ही इसे हम डालते रहेंगे, ये फूलना जो है शुरू हो गया है, तेल को ऐसे डालते रहेंगे। अब इसे साइड में कर देते हैं, इधर एक और डाल देते हैं। प्लेन बर्तन रहने से ये फायदा रहता है कि हम इसमें कई सारे मालपुए तल सकते हैं साथ में। देखिए इसे इस पे भी हमें हल्का हल्का सा तेल जो है डालते रहना है। ये जो पहले हमने डाला था अब इसे पलाट लेते हैं। हर बार आटे का मालपुआ, केले का मालपुआ हम लोग बनाते हैं होली पे, इस बार हमने ये जो चुकंदर का मालपुआ, हर साल एक ही चीज़ बनाते बनाते जैसे आदमी बोर बाजार आदमी, इसलिए कुछ हट के बनाना हो तो इस तरीके से आप मालपुए को बना के एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अब इसे भी हम पलाट देते हैं। देखिए ऐसे हम मालपुए को तल लेंगे। अब देख सकते हैं कितनी इसमें जालियाँ पड़ी हैं। इसमें हमने ना बेकिंग पाउडर
और मीठा सोडा, हमने कुछ नहीं डाला है, बगैर कुछ डाले ये इतना बेहतरीन जो है बन रहा है। देखिए अब इसे ऐसे ही करते उलाटते पलाटते इसे हमें तल के तैयार करना है। मालपुआ जो है तल चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ऐसे ही थोड़ी देर रखेंगे, इसका तेल जो है निकल जाए, उसके बाद से इसे हमें प्लेट में रख लेना है। ऐसे ही डालते जाएंगे, जैसे हमने पहली बार बताया वैसे ही डाल के हम मालपुए को तलेंगे। अभी से हमें साइड से ऐसे करते जाना है तेल को, ऐसे ही सारा मालपुआ तल के तैयार कर लेंगे। मालपुआ जो है तल चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ऐसे ही थोड़ी देर रखेंगे, इसका तेल जो है निकल जाए, उसके बाद से इसे हमें प्लेट में रख लेना है। ऐसे ही डालते जाएंगे, जैसे हमने पहली बार बताया वैसे ही डाल के हम मालपुए को तलेंगे। अभी से हमें साइड से ऐसे करते जाना है तेल को, ऐसे ही सारा मालपुआ तल के तैयार कर लेंगे। मालपुए को हमने तल के तैयार कर लिया है, ये लास्ट वाला था, अब इसे निकाल लेते हैं। चुकंदर का मालपुआ जो है बनके तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी मालपुआ जो है बनके तैयार हुआ है। इस तरीके से आप मालपुए को बनाइए और खाइए होली पे, और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, और न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।